ईशानी के फेस पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा आने दो, हल्का सा टॉप से रोलिंग। ईशानी का जो आगे बढ़ने वाला रिएक्शन है ना वो ले लो फटाक से, जो रणवीर लोग कभी जाता है। हाँ ईशानी में थोड़ा, एक मिनट रुकना, रोल रोलिंग। ईशानी रेडी हो तो आगे चलता है। ले लो ले लो, एक और लाइन ले लो फटाक से, वो लाइन भी ले लो। चलो रेडी, दूसरे कैमरा का एक्सपोजर देख लो। लाइट, नाइट का लाइट। ओ भाई साहब, नाइट का लाइट बिछा दो, तब तक बेसिक लाइट से बिछा दो। गाड़ी के अंदर सुनो, यहाँ पे ही कर सकते हैं ना, खड़े खड़े करेंगे। ईशानी के इसी लाइन के आगे जाने वाले रिएक्शन ले लो फटाफट। रोल अभी ना फटाफट, बोलिए बोलिए। ईशानी के फेस पे बारिश नहीं आ रही है। रोलिंग, आंखें मत डालो। रोलिंग ऊपर से, ऊपर से टैन कर दो बारिश। वापस आ जाओ रणवीर, मैं जा रहा हूं तो करो। निकल क्या हुआ? पानी खत्म, पानी खत्म, टैंकर नहीं आया क्या दूसरा? इतना रोमांटिक वेदर है, इस रोमांटिक वेदर में ईशानी और रणवीर एक दूसरे से फिर अलग अलग रास्तों पे जा रहे हैं, क्यों ऐसा? एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि जैसे ईशानी को लगता है ईशानी ने कुछ काढ़ा वाड़ा पिया होता है, चैताली काकी का जो काढ़ा होता है ना, उससे सब भूल जाते हैं, ड्रंक हो जाते हैं, उसको याद नहीं होता कि कल रात को क्या होता है, तो वो अज्यूम करते हैं कि रणवीर और उसके बीच में शायद कुछ हुआ हो। सो वो यहाँ पे उसी डर के साथ रणवीर से पूछने आते हैं कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज उसने शिखर को प्रॉमिस किया हुआ है एंड वो बहुत गिल्टी फील करी होती है। सो यही सीन होता है, तो इतना रोमांटिक वेदर है एंड हवाएँ चल रही हैं एंड वो लोग आते हैं, वो सैड सैड बातें करते हैं कि कुछ हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो बस इस सीन में पूरा कन्फ्रंटेशन है एंड एक डिसीजन लिया जाता है, रणवीर एक डिसीजन लेता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो डिसीजन जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरी आशिक कितनों से ही। अब हाँ ये सब सुन ले, कुछ बताने, कुछ कुछ मसाला बचेगा उनके पास, आप सब कुछ बता दीजिए। ईशानी सस्पेंस क्रिएट कर तो रही हो कि एक डिसीजन ऐसा होगा जो हम दोनों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, प्लस शिखर की लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा एंड जो मेरी प्लान के अंदर शायद बाधा डाल सकता है। सो या ही इज गोना टेक दैट डिसीजन। ईशानी इस सीक्वेंस को देखकर ये गाना याद आ रहा था, बेवफा हम नहीं, बेवफा कौन था, बेवफा हरगिज ना थे पर तुम बोला बेवफा तुम नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, लाइक सिचुएशन हमेशा रणवीर ईशानी की यही होती है कि दे बोथ नो दे लव ईच अदर बट दे कांट बी टुगेदर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो वो हमेशा एक पेन, एक मजबूरी आंखों में हमेशा दिखती है कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर सर्कमस्टांसेस एक दूसरे के साथ रहने ही नहीं देते। सो उसके बाद सारी सैड सॉन्ग्स बच सकते हैं। याद आ जाए यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हां ये
याददाश्त का नाटक तब तक चलेगा जब तक मैं रितिका का सच रिवील नहीं कर देती। सो तब तक ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं यही नाटक करूं ताकि रणवीर के सामने, क्योंकि अगर मैंने उसको रणवीर को बता दिया आई डोंट हैव एनी प्रूफ अगेंस्ट रितिका, मैं रणवीर को नहीं बता सकती कि ये सब हुआ है।